नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप के हार्ड ड्राइव या एसएसडी में कैसे करके आप पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम कोई भी नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में जब विंडोज़ इंस्टॉल किया जाता है तो उस समय जो कि पार्टीशन करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। जो भी बंदा विंडोज़ इंस्टॉल कर रहा है तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि उसको कितना पार्टीशन क्रिएट करना है। पर मान लो आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें ऑलरेडी विंडोज इंस्टॉल है, ठीक है, और आप उस विंडोज़ को बहुत दिन से यूज़ भी कर रहे हो। अब आप जो कि है उसमें पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो तो आप कैसे करके क्रिएट करोगे, ठीक है। मतलब कि वो जो विंडोज़ इंस्टॉल करने वाला पेज है उस पे गए बिना एकदम नॉर्मल प्रोसेस से आप कैसे करके पार्टीशन कर सकते हो अपने किसी भी हार्ड ड्राइव या एसएसडी में, आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, आप उस सिंपल स्टेप्स को वीडियो देख के फॉलो करो और आपका जो पार्टीशन है वो 100% हो जाएगा। आपको जितना MB या जितना GB का भी पार्टीशन करना है आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ठीक है। और आपका जो कंप्यूटर है, चाहे विंडोज़ 7 पे हो, विंडोज़ 8 पे हो, 10 पे हो या 11 पे हो, जो भी विंडोज़ हो, प्रोसेस सेम ही होने वाला है। जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, आपके पास जो भी कंप्यूटर है उस पर आप वो फॉलो कर लेना एंड आपका जो पार्टीशन है वो 100% क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली सब कुछ सीखते हैं कि कैसे करके पार्टीशन किया जाता है। दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इधर फाइल एक्सप्लोरर खोल लिया एंड फाइल एक्सप्लोरर के अंदर मैं दिस पीसी में चला जाता हूँ एंड दिस पीसी के अंदर में आपको जितना भी आपका हार्ड ड्राइव और एसएसडी है आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा एक हार्ड ड्राइव है जो कि लिखा हुआ है लोकल डिस्क ई, ठीक है। जो ये लोकल डिस्क ई है, अभी मैं इसमें ही पार्टीशन क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो देखो इधर जो टोटल स्पेस दिखा रहा है वो कितना है, 297 GB, और इसी में से जो कि मैं एक 100 GB का पार्टीशन क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर देता हूँ एंड उसके बाद अपने कंप्यूटर के जो कीबोर्ड रहता है उस कीबोर्ड में जो कि है मैं विंडोज़ प्लस आर की प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो जो कीबोर्ड में विंडोज़ की रहता है प्लस आर, तो मैंने विंडोज़ प्लस आर प्रेस किया एंड उसके बाद जो कि आपको यहाँ पे इधर जो देखने को मिलता है ये जगह पे आपको लिखना है डिस्क mgmt.msc। देखो इधर मैं लिख रखा है मैंने पहले से disk डिस्क mgmt.msc, आपको ये लिख के ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आएगा, ठीक है। एंड इसको जो कि मैं थोड़ा बड़ा कर देता ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का विंडो खुल के आएगा एंड ये विंडो खुलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो कि है आपको इधर शो करेगा जितना भी आपका डिस्क होगा। तो जैसे कि मेरा दिखा रहा है पहले डिस्क 0 एंड डिस्क 1। तो अभी जो मैं आपको डिस्क दिखा रहा था ये वाला, देखो इधर मैं अभी चेक करा रहा हूँ फाइल एक्सप्लोरर में, जो हमारा ये वाला डिस्क है इसमें मेरे को पार्टीशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ई ड्राइव वाला डिस्क कहाँ पे है, तो ई ड्राइव वाला जो हमारा डिस्क है वो ये वाला है, ठीक है। तो मतलब हमारा ये डिस्क 1 है एंड डिस्क 1 में देखो इधर दिखा रहा है 297.99 GB। अभी मैं इसी में पार्टीशन क्रिएट करूँगा। पार्टीशन क्रिएट करना जैसे मेरे को इसमें है तो मैं इस पर क्रिएट कर क्लिक कर दूंगा, वैसे आपका जो भी डिस्क में आपको पार्टीशन क्रिएट करना है वो डिस्क में आप क्लिक करना, ठीक है। तो इधर मैंने इस पर क्लिक किया ई ड्राइव में एंड उसके बाद जो कि है मैं इधर से राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा श्रिंक वॉल्यूम, आपको श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है एंड उसके थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये लोड लेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लोड लेने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इधर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एंटर दी अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB, ठीक है। तो ये वाला बॉक्स में जो कि आपको वो जगह डालना है जितना जगह का आपको पार्टीशन क्रिएट करना है, ठीक है। तो इधर में जो कि है हम वो डाल देते हैं स्पेसिफाइड नंबर जितना का हम लोग को पार्टीशन क्रिएट करना है। जैसे कि मेरे को 100 GB का पार्टीशन क्रिएट करना है तो मैं इधर डालूंगा 1 लाख, क्योंकि इधर MB में डालना पड़ता है, ठीक है। इधर आप जितना भी स्पेस डालोगे वो MB में डालना। अगर आप मान लो 200 GB, 300 GB, 500 GB, जितना भी GB क्रिएट कर रहे हो तो उसको कैलकुलेट कर लेना गूगल में, नहीं तो आप सिंपली सर्च कर देना कि ये 100 GB कितना होता है, कितना MB होता है, या 200 GB कितना MB होता है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे 100 GB इधर डाल रहा हूँ तो 100 GB मतलब 1 lakh MB होता है, तो मैं इधर 1 lakh इधर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर जो कि है देखो मैंने 1 lakh MB डाल दिया है ये वाले बॉक्स में, क्योंकि 1 lakh MB इज इक्वल टू 100 GB होता है। तो मैंने इधर 1 lakh MB डाल दिया एंड उसके बाद मैं श्रिंक पे क्लिक कर दूंगा। श्रिंक पे क्लिक करने का थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 97.66 GB का जो कि है एक अनएलोकेटेड स्पेस बन रही है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि जब भी आप कोई भी स्पेस को क्रिएट करोगे इधर में, मतलब कोई भी पार्टीशन करोगे, तो अनएलोकेटेड शो करेगा एंड आप इधर अगर फाइल मैनेजर में जाके या फाइल एक्सप्लोरर में जाके देखोगे तो वहाँ पे भी वो शो नहीं करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेस तो ऑलरेडी बन गया है, इधर भी देखो कम हो चुका है, इधर 297 GB हो गया है, पर फिर भी जो कि है इधर में कोई स्पेस एक्स्ट्रा जो हम लोग का बना वो शो नहीं कर रहा है। तो उसको आपको शो कराना पड़ेगा। शो कराने के लिए क्या करना है, फिर से इधर वापस है और यहां पे जो ये अनएलोकेटेड स्पेस लिखा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है माउस से एंड उसके बाद इस पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इधर आपको न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको इधर नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
फिर इधर नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड इधर से आपको असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर इधर आपको क्लिक करना है और इधर से आप जो भी ड्राइव का नाम दे सकते हो, जैसे कि इधर जी बाय डिफॉल्ट दिया हुआ था, मैं जी ड्राइव ही छोड़ दूंगा एंड उसके बाद सिंपली इधर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर इधर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर इधर फिनिश कर देना है एंड जैसे कि आप देख सकते हो इधर जो कि है जी ड्राइव नाम से हमारा एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अभी मैं आपको इधर फाइल्स में चेक करा रहा हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक नया वॉल्यूम क्रिएट हो गया 100 GB का, तो पूरा 100 नहीं दिखाता है, 97.5 GB दिखा रहा है, तो हमारा क्रिएट हो गया आपके सामने, देखो एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।